नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, उसके जो सूत्र होता है उसको, और उसके उसमें प्रयोग होने वाले रोटेशन के बारे में समझेंगे, मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होती है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले अगर आप बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। ये परिभाषा है वैद्युत फ्लक्स के लिए। इसे यह एक अदिश राशि है जिसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब होता क्या है, मान लेते हैं एक सरफेस है ये, और इससे वैद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है। ओके, वैद्युत क्षेत्र होके ऐसे गुजर रहा है इसमें से। तो अगर हम एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ले डी ए, ओके, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इस जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है डी ए, उसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ये है, तो और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इस सूक्ष्म अवयव से जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा स्केलर गुणन ई डॉट ए इस छोटे से अवयव से होकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो हम संपूर्ण क्षेत्र से वैद्युत फ्लक्स जो निकलेगा उसको हम इस तरीके से लिखते हैं ई डॉट डी ए। ओके, ये फार्मूला होता है, मैं एक बार फिर से स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ। इसे हम कहते हैं फाई ई और इसे हम कहते हैं क्षेत्रफलीय समाकलन, जिसे हम कहते हैं पृष्ठ समाकलन भी कहते हैं, वेक्टर ई डॉट डी ए। ओके, ये हमारा फार्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स के लिए। ओके, अब हम जानते हैं कि ई डॉट डी ए बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो अगर हम इस समीकरण में मान रखें, इस समीकरण में, तो हमें मिलेगा फाई ए ई डी ए कॉस थीटा, जिसमें ई कॉस थीटा आपके कांस्टेंट हो जाएंगे अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो, और डी ए को हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा टोटल डी ए का जो समाकलन होगा ए होगा और कॉस थीटा। तो ये आ गया फार्मूला। ओके, अब स्पेशल केस में अगर हम थीटा बराबर यहाँ पे जीरो रखते हैं तो हमें फाई ई बराबर क्या होगा, ई ए मिलेगा। ठीक, कॉस जीरो रखेंगे, कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी और ई ए हमें मिल जाएगा। मतलब अधिकतम वैद्युत फ्लक्स कब होगा, जब वैद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल वेक्टर है उनके बीच का कोण जीरो होगा। अगर थीटा बराबर 90 होगा तो, थीटा बराबर 90 रख दें तो हमें इस फार्मूले से कॉस 90 रखेंगे, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती, मतलब पूरा जीरो हो जाएगा। अगर जो आपका पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो जीरो होगा। अब हम देखते हैं
ये थी इतना वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड कुछ बातें जिनको आपको बहुत ही ध्यान से ध्यान में रखना है और बोर्ड्स एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आता है कि फाई ई का मात्रक क्या होगा। फाई ई का मात्रक यानी कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पहले सूत्र लिख लेते हैं। किसी चीज़ का मात्रक लिखने से पहले हम सूत्र लिखते हैं और हम जानते हैं सूत्र फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई का मात्रक जो होगा, फाई ई का जो मात्रक होगा बराबर होगा ई का मात्रक। ई का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन बटे कूलाम। ओके, और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होता है। और कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसलिए हमें फाई ई का मात्रक मिल जाएगा। इसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात आती है इसके बीमा की कि फाई ई की बीमा क्या होगी। तो फाई ई की बीमा बराबर होगी न्यूटन, यहाँ पे हम सूत्र से लिख सकते हैं, जैसे न्यूटन है तो न्यूटन की बीमा होती है एम एल टी माइनस टू। ओके, एम स्क्वायर है तो एम क्या होता है, मतलब मीटर दूरी, दूरी की बीमा होती है एल टू एल स्क्वायर की बीमा दूरी। सी, सी क्या है, सी सी की बीमा मतलब कूलाम है, कूलाम की बीमा होती है ए टी। अगर हम इसको लिखें तो हमें मिलता है एम एल, यहाँ पे वन एल है, यहाँ पे टू एल है, तो ये थ्री एल हो जाएगा एम एल थ्री। टी माइनस वन यहाँ है, टी माइनस इधर चला जाएगा, टी माइनस थ्री हो जाएगा और उसके बाद ए माइनस वन। ये इसकी बीमा होगी जो कि वैद्युत फ्लक्स की बीमा कहलाएगी। तो एग्ज़ाम में यही सारे जो क्वेश्चन हैं ये सब पूछे जाएंगे। ओके, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होते हैं, इस चीज़ को आपको पढ़ना है। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होते हैं, तो देखिए क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है। जैसे मान लेते हैं ये कोई क्षेत्रफल है, एक एरिया दिया हुआ है, इस ये किसी का कोई परिमाण होगा। अगर ये एक वृत्त है तो वृत्त का पर जो एरिया होता है वो टू पाई आर होता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ परिमाण होता है। उसके साथ ही अगर ये वृत्त इस कागज़ के तल में बना हुआ है तो अगर इसके लंबवत, इसके लंबवत ऐसे अगर हम एक लाइन ऐसे खींच दें इसके लंबवत, तो ये इसकी दिशा कहलाती है। ओके, ये इसके मान लेते हैं ये केंद्र है, तो ये इसकी दिशा होगी जिसको हम एन कैप से दिखाते हैं, और इसका परिमाण कितना है ए। ओके, तो हम इसे कहते हैं क्षेत्रफल वेक्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें एन कैप क्या है, इसके लंबवत एक वेक्टर है, और ये क्या है आपका परिमाण है इस क्षेत्रफल का। जैसे आप वेक्टर दिखाते हो उसी तरीके से वेक्टर का परिमाण है, तो ये होता है क्षेत्रफल वेक्टर। समझ में आया क्षेत्रफल वेक्टर को किस तरीके से लिखते हैं। आगे चलते हैं, अब दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है घन कोण। घन कोण, ये चीज़ें आपको गॉस के प्रमेय में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगी, तो इसलिए मैं अभी से आपको बताते चल रहा हूँ घन कोण होता क्या है। घन कोण जिसे हम ओमेगा से भी दिखाते हैं, और इसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। और परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन एस आर। ओके, इसका मात्रक होता है। देखिए होता क्या है, जैसे कोण क्या होता है, अगर कोई वृत्त है तो वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया ये कोण बनता है, हम इसे कहते हैं कोण। और थीटा बराबर होता है चाप, अगर मान लेते हैं चाप एस है और त्रिज्या आर है तो इसको हम लिखते हैं एस बाई आर, ये हो गया कोण। इसी तरीके से घन कोण अगर है तो हम घन कोण के लिए गोला, गोले को कंसिडर करते हैं। गोला आप समझ सकते हो, इसे कोई गेंद बॉल हुआ, गेंद होती है तो उसको हम कंसिडर करते हैं, ये मान लेते हैं गोला है। इस गोले के द्वारा मान लेते हैं गोले पे क्या होता है, एक पृष्ठ होते हैं, एरिया कुछ होगा, उस एरिया को हम कंसीडर करें और ये सेंटर माने गोले का, तो इस एरिया द्वारा जो इस सेंटर पर एंगल बनाया जाएगा उसी एंगल को हम कहते हैं ओमेगा। ओके, तो जो कोण होगा घन कोण उसे हम दिखाते हैं। अगर सूक्ष्म घन कोण की बात करें तो डी ओमेगा बराबर होता है जो जिस एरिया द्वारा बनाया जाता है, मान लेते हैं डी एरिया, क्योंकि सूक्ष्म कोण है तो सूक्ष्म क्षेत्र द्वारा बनाया जाएगा डी ए। और इस जो गोले का, गोले की त्रिज्या है उसको हम मान लेते हैं आर स्क्वायर, आर है तो आर स्क्वायर, इसे हम कहते हैं घन कोण। ओके, ये होता है डी ओमेगा बराबर डी ए आर स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। अगर अब हम क्या करते हैं, अगर हमें इस पूरे गोले के द्वारा निकालना है तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लिखते हैं ओमेगा, और यहाँ से आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। गोले का डी, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है फोर पाई आर स्क्वायर। ओके, फोर पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो फोर पाई, मतलब ये हुआ कि जो गोले द्वारा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा जो उसके केंद्र पर कोण बनता है वो फोर पाई है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन की परिभाषा यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये कुछ यूजफुल है। डी ये फार्मूला होता है घन कोण के लिए, आपको इसको याद रखना है। अगर यहाँ पर